नमस्कार, मुई शोभित राय गणदृष्टि के आपण मानक स्वागत करुचे। आपण मैंने जेनता कि जानीछन बरगड़ धनुयात्रा आज आसिक 11 नंबर दिन के पहुँचलान। आम बाहरी इनु सका 11 नंबर दिने लोकर किसी मान बुली बुली लोकर इरा देखबार लगी कि लोक मैंने केन्ता चलुन केन्ता करुचन, तो सेनु आम आसिक गोटे जगार पहुँचीछू जेनु कि आमर बरगड़ धनुयात्रा के राजस्थान रु निजर माने कमानी करबार लगे आसीचन जात्रा रे कमाई कोठे करी रहबार लगे। तो आसुन ताकु पजरामा कि काण से माने करूछन ओ केनता से माने इनु रहूछन ताकर केनता काण अनुभूति अछे, तो चालुन पजरामा। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? बारा जिला। बारा जिला से। तो आप क्या बेचते हो यहाँ पर? ये चिड़िया बेचते हो, गुब्बारा बेचते हैं, बैलून बेचते हैं। बैलून बेचते हो? कितने सालों से आ रहे हो? बहुत साल होंगे हमारे को। तो बहुत साल हो गए। तो यहाँ पर जो आते हो, जो सामान बेचते हो, तो वो कितना मतलब आपको कितना फायदा होता है? एक पे 10 रुपया 15 रुपया मिल जाता है। एक पे मिल जाता है, मजदूरी मिल जाता है, दिन भर की मजदूरी निकाल देते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे बोला कि आप दिल्ली से खरीदते हो और यहाँ ला के बेचते हो, तो उसमें मतलब वहाँ से खरीद के यहाँ लाने में तो सब हो जाता है? हाँ, तो भी मिल जाता है, तो भी दिन भर की मजदूरी मिल जाती है। तो जैसे कि मान लो यहाँ तो मेला ख़त्म हो गया, तो यहाँ ख़त्म हो गया फिर आप कैसे करोगे? राजस्थान चले जाओगे या राजस्थान जाएंगे? कभी मेला मिलेगा तो और जगह मेला कर लेंगे, फिर राजस्थान चले जाएंगे वापिस। तो जैसे कि आपने बोला कि आप राजस्थान चले जाओगे, कुछ भी करोगे, तो आपके साथ साथ आपके बच्चे भी मतलब आपके साथ घूमेंगे या फिर कैसा? नहीं साहब, बच्चे तो वहीं रहेंगे ना, पढ़ाई करते हैं साहब। बच्चे पढ़ाई करते हैं, छुट्टी चल रही है ना, इसलिए बस इसलिए लेके आए हैं। अभी छुट्टी चल रही है। तो अभी बच्चे लोग चले जाएंगे? नहीं, मेल पर जाएंगे ना, छोड़ जाएंगे। 10 तारीख को गाँव जाऊँगा। 10 तारीख को जाएगा, लेके जाएगा। वहाँ हमारा दीदी है, उनके पास मम्मी पापा है, उनके पास ही रहेंगे। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग यहाँ मतलब मैंने देखा कि आप लोग रोड पे रह रहे हो, तो रहने का क्या मतलब कैसा मतलब एक्सपीरियंस है? वहाँ यहाँ जो रहने का, तो साहब ये धंधा करिए, माल बेच लेना, रूम लेंगे तो रूम तो महीने के हिसाब से रूम मिलते हैं, फिर लेंगे बेच लेंगे। जैसे आपको 2-3-4 दिन यहाँ पर रहना है तो रूम तो ले नहीं पाएंगे इसमें, इसलिए हम इधर टाइम पास बना ले कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ आपकी मतलब घर की औरतें भी हैं साथ में, तो कभी सोए हुए कभी मतलब कोई दिक्कत वगैरह नहीं? तो नहीं, नहीं, नहीं 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 आपने नहीं कुछ भी। में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। रोटी बना देना। कितने लोगों का खाना बनता है? हमारा 5-6 आदमी हमारा बनेगा, 5-6 आदमी सब अलग अलग बना के खाते हैं। तो रोज इतना खाना बनता है मतलब डबल 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 बना के खाने पड़ते हैं। 2 टाइम का खाना तो बनाते हैं, कोई भी नहीं बनाते। तो जो आप लोग ये खाना बना रहे हो, जो भी मतलब धंधा पानी करके, तो सब खाना बना सब मिला के सब निकल जाता है कुछ ना? हाँ, निकलता है, मेहनत निकलता है आराम से, मेहनत निकल जाता है आराम से निकलता है मेहनत। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म हो गया जैसे, तो यहाँ से फिर कहाँ जाने की? अब यहाँ से जब मेला चलेगा जैसे रुकेंगे ना तो फिर गाँव जाएंगे वापस। मेला चलेगा तो यहाँ रुकोगे? अभी मेला खत्म होगा, दूसरी जगह मेला हो गया पता तो वहाँ चला जाएंगे, और नहीं पता लगेगा तो वापस गाँव जाएंगे फिर। तो आप लोग यहाँ मतलब कमाते हो और आपके बच्चे लोग वहाँ मतलब घर में रहते हैं, तो उनको मतलब याद आता है घर का? याद नहीं आता है क्या बच्चों का? याद आता है ना, याद आता है, याद आता है ना। कैसे करते हो फिर? फोन में बात कर लेते हैं, उसको खर्चा पट्टा डला देते पैसे उसे, फिर 1-2 महीना रुके वापस चला जाती। तो हमें अभी देखना कि जन स्ट्रीट वेंडर आसीचन मैंने कोटारू आसीचन राजस्थान रू, तो यहाँ गोटे भाबार कथा है कि आमर इड़ू बहुत संख्यार पिला मैंने कोटा के पढ़ी जाऊन, सेनु बड़ बड़ डाक्टर इंजीनियर होकरी होचन, हेले सेनु लोक माने निजर परिवार धरिकी आमर ओडिशा के माने कमाबार लगी आसुचन, जेन्दा कि एबे धनुजात्रा रे ना इताकर भलिया बहुत लोग तार माने निजर दुकान धरिकी आइछन। गणदृष्टि